नमस्कार, मैं प्रिया। आज हम इससे पहले चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सोमवार से बिहार विधानसभा सचिवालय पहले की तरह होगा शुरू। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइन को जारी करते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए साथ ही सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 तारीख से सरकारी कार्यालयों साथ ही अन्य जरूरी कामकाज को शुरू करने की पहल तेज की है, जिसके बाद अब सोमवार से बिहार विधानसभा सचिवालय पहले की तरह दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। वहीं विधान परिषद में भी काम की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और सभी लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। उत्तर बिहार में बारिश और बर्फ गिरने से किसानों की फसल को हुई बर्बादी। उत्तर बिहार में बारिश और बर्फ गिरने से किसानों की फसल की हुई बर्बादी। उत्तर बिहार में बीते दिन अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां आंधी बारिश के साथ साथ कई जगह पर बर्फबारी भी हुई, जिसके बाद पिछले 3 दिनों में दूसरी बार बारिश से किसानों की फसल की बर्बादी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी, दरभंगा में तेज हवा के साथ बारिश और बर्फबारी हुई है। वहीं इसी समय में रबी फसलों की हार्वेस्टिंग का समय है, ऐसे में बेमौसम हुई बरसात में किसानों का काफी ज्यादा घाटा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलों में जलवायु के अनुसार खेती करवाने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के 8 जिलों में चल रही जलवायु के अनुसार खेती योजना काफी सफल साबित हो रही है। वहीं राज्य सरकार ने अब इसे सभी जिलों में लागू करवाने का फैसला जारी किया है। वहीं संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने योजना से जुड़ने की सहमति दे दी है। आपको बता दें, योजना में चयनित खेत में फसल की बुआई बिना जुताई के होती है, जिसके तहत 365 दिन खेतों में फसल रहने का दावा किया गया है। वहीं वैज्ञानिकों के सलाह मशवरे के बाद ही फसल का चयन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर बुला सकेंगे मिस्त्री। कोरोना के बढ़ते असर के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 20 तारीख से कुछ चीजों में रियायतें देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत घरेलू कामकाज, एसी, टीवी, कूलर, पंखा, इन्वर्टर की मरम्मत के लिए लोग मिस्त्री को अब बुलवा सकेंगे, बशर्ते मिस्त्री के पास कंपनी का पास होना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर काम करने वालों के लिए सैनिटाइजर और साफ सफाई का भी ख्याल रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसकी जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में बैठक के बाद दी है। घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं ताजी मछली। राज्य में बंद के इस माहौल में सरकार ने लोगों को घर बैठे बैठे ताजी मछलियां मुहैया करवाने की व्यवस्था शुरू की है, जिसके लिए पशुपालन विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है। खबरों की माने तो DOF AHD बिहार गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके बाद मछली खरीदने वालों को अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसके बाद पटना समेत सभी जिलों में इन मछलियों की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वैशाली के कोरोना प्रभावित युवक के संपर्क में आने वाले 78 की रिपोर्ट आई सामने। वैशाली के कोरोना प्रभावित युवक के संपर्क में आने वाले 78 लोगों की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके तहत इन सभी लोगों की रिपोर्ट सामान्य आई है, यानी कि इनमें कोरोना नहीं है। हालांकि बीते दिन कोरोना प्रभावित व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, क्योंकि काफी लंबे समय से उसके कई सारे इलाज चल रहे थे। हालांकि इन लोगों की रिपोर्ट में कोरोना नहीं पाए जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि उस युवक के परिवारजनों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम जारी किया संदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जनता के नाम संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बचाव का एकमात्र उपाय है, इसलिए हर व्यक्ति का इस समय में सचेत रहना बेहद ही जरूरी है। इतना ही नहीं, अपने जारी किए गए संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी राशन कार्डधारियों से 1-1 हजार दिए जाने की बात भी कही है, जिसके तहत अब तक 94,85,000 कार्डधारकों के खाते में राशि भेज दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बाकी राशन कार्डधारियों के पास भी राशि जल्द से जल्द भेज दी जाएगी। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन परिवारों के पास अभी राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों की भी मदद जल्द से जल्द की जाएगी। बेगूसराय के लोगों को गिरिराज सिंह ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह वर्तमान समय में दिल्ली में फंसे हुए हैं। वहीं दिल्ली में बैठे बैठे उन्होंने बेगूसराय के लोगों के लिए अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कहा है कि दिल्ली में रहकर भी बेगूसराय वासियों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बीते दिन पत्रकार से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने उक्त जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ पूरे देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को खाने की कोई समस्या नहीं होने दे रही है। आपको बता दें, बेगूसराय कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, जहां से अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की इस परीक्षा में मदद के लिए बिहार पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने दान किए लाखों रुपए। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, वहीं ऐसे समय में पुलिस की जिम्मेवारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच बिहार पुलिस एसोसिएशन ने शारीरिक तौर पर मदद के अलावा अब आर्थिक तौर पर मदद करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 8.51 लाख रुपए देने का दावा किया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिसकर्मी लगातार इस कोशिश में लगी है कि कोई भी लोग बेवजह बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखे, जिसके तहत ही बिहार के कई जिलों में कोरोना को रोकने में कारगर साबित हुआ है।
बिहार में आने वाले समय में बदल सकता है मौसम का मिजाज। जहां एक तरफ बिहार में कोरोना ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम का मिजाज भी बदलता दिखाई दे रहा है, जो कि किसानों के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 20 और 21 अप्रैल को पटना समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं इसी बीच तेज धूप और धीमी हवा की वजह से गर्मी भी रह सकती है। वहीं बारिश के कारण को बताते हुए मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के ऊपरी हिस्सों में सर्किल के क्षेत्र बन गई है, जिसमें 72 घंटों के अंदर बिहार में बारिश और धूल भरी आंधी चलने के आसार ज्यादा हो गए हैं। बिहार में कोरोना जांच और होगा तेज। बिहार में कोरोना जांच और ज्यादा तेजी से किया जाएगा, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 6,240 कोरोना टेस्ट किट बिहार को पहले खेप में भेज दिए गए हैं। इसकी जाँच से पहले ही अपेक्षा और तेज हो जाएगी। सिर्फ बिहार ही नहीं, केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी रैपिड टेस्ट किट मुहैया करवाई है, ताकि कोरोना की जाँच को और तेजी से किया जा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए होड़ में जुटी है नीतीश सरकार। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने कई निर्णय भी लिए हैं। कृषि योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास जैसी लाभकारी योजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ों राशि का भी आवंटन कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार की योजना अनुसार 8.5 लाख घरों का निर्माण करवाने का काम सरकार शुरू कर रही है, जिसके लिए सरकार ने सभी जिलों को राशि का आवंटन भी कर दिया है। प्रशांत किशोर ने की लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में बिहारियों के फंसे होने की बात। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि देश भर में बिहार के लोग फंसे हैं और नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्थानीय सरकारें कुछ कर भी नहीं रही है, लेकिन नीतीश जी ने संबंधित राज्यों में अब तक कोई बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की गई बैठक में भी उन्होंने इस बात की चर्चा को करना जरूरी नहीं समझा। IMRI में हर दिन 800 सैंपल की होगी जांच। बिहारवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत IMRI ने हर दिन 800 सैंपल की जांच करने का ऐलान किया है। खबरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में कोरोना के रोकथाम के लिए जांच में तेजी लाने के लिए IMRI ने एक और RT-PCR मशीन को लगाया गया है, जिससे अस्पताल की कोरोना जांच की क्षमता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग और अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए भी बड़ी तेजी से काम कर रही है, जिससे कि अब आम नागरिक को और ज्यादा सहूलियत होगी, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है और कहा कि राज्य में 10,000 सैंपल की जांच पूरी हो चुकी है। जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है और कहा है कि जल्द से जल्द जितने बचे सैंपल्स हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। बीपीएससी पास 96 अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज में बने सहायक प्राध्यापक। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 2017 में मेडिकल कॉलेज में सहायक अध्यापक पद के लिए आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम स्वरूप 96 अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का पद सौंप दिया गया है, जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। वहीं राज्य सरकार ने यह भी साफ कह दिया है कि पदस्थापित सहायक अध्यापकों की मूल कोटि का वेतन 67,700 से 1,64,800 का वेतन दिया जाएगा। बिहार में कोरोना की परीक्षा को 5 और व्यक्तियों ने किया पास। कोरोना की जारी परीक्षा को बिहार के 5 और लोगों ने पास कर लिया है, जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर 50% मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि सभी लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं बीते दिन एक और व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कहने के बाद दुनिया को अलविदा कहने वालों का आंकड़ा 2 पहुंच गया है। हालांकि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 42 पर पहुंच गई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग को काफी ज्यादा राहत दी है। जमीन की रजिस्ट्री जल्द होगी शुरू। सभी बिहारवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 20 अप्रैल के बाद सभी सरकारी दफ्तरों के खुलने के साथ ही रजिस्ट्री शुरू कराने का आदेश भी जारी किया गया है, जिसके लिए सहायक निबंधक महानिरीक्षक ने सभी DM और जिला अवर निबंधक को पत्र लिखकर जारी कर दिया है। जारी किए गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि निबंधक पदाधिकारी नियमित तौर पर कार्यालय आएंगे, जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री का काम करवाना भी अब आसान हो जाएगा। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जिसको अब सुधारने के लिए सरकार ने सरकारी तौर पर कामकाज शुरू करने की अपील की है। बिहार शिक्षा विभाग के सभी दफ्तरों में भी 20 अप्रैल से शुरू होगा काम। सभी सरकारी दफ्तरों की भांति बिहार शिक्षा विभाग के दफ्तरों को भी 20 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद शिक्षा विभाग में पहले की तरह ही काम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने देते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय के संशोधित शेड्यूल की गाइडलाइंस के तहत 20 अप्रैल से ज्यादातर दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, वरिष्ठ कर्मचारी को रोजाना दफ्तर पहुंचना होगा, जबकि जूनियर स्टाफ और संविदा वाले स्टाफ को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें से एक ही ग्रुप के कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, सभी के सैनिटाइजेशन के काम पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। गाड़ियों का नंबर नोट होने के बाद ही पटना में मिलेगी एंट्री। पटना में दूसरी जगह से आने वाले गाड़ियों की एंट्री को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत जिले के सभी बॉर्डर इलाके में बने चेक पोस्ट पर पुलिस को एक रजिस्टर मुहैया करवाया जाएगा, जिसमें बाहर से आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट को देखकर नंबर नोट किया जाएगा। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर सवार लोगों के नाम, पते व मोबाइल नंबर भी रजिस्टर पर पुलिस लिखेगी। उचित कारण होने पर ही गाड़ी को जिले में एंट्री मिलेगी या
बाहर जाने दिया जाएगा, वरना उस गाड़ी को वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। तेजस्वी और प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए बयानों पर भाजपा ने तोड़ी अपनी चुप्पी। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर द्वारा बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कदमों पर उठाए गए सवालों पर भाजपा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिसके तहत भाजपा नेता निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार के खिलाफ सुर्खियां बटोरने का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं और अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं। पता नहीं इन दोनों नेताओं के बीच में कितने का डील हुआ है। पटना की महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। बीते दिन पटना में एक 32 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। खबरों की माने तो इस महिला की जांच एम्स में करवाई गई थी, जहां से पता चला कि इनके सैंपल्स पॉजिटिव है, जिसके बाद बिहार में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 86 पर पहुंच गई है। 20 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स लिया जाना होगा शुरू। देश भर में फैले कोरोना के बीच बंद की अवधि को बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार कुछ चीजों की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत 20 अप्रैल से सरकारी कामकाज के साथ साथ नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स लेना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि बंद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स लेने से मना कर दिया था, मगर अब आदेश जारी करते हुए टोल टैक्स को दोबारा से लिए जाने की बात कही गई है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में अक्षरा सिंह ने दिया वीडियो संदेश। लॉकडाउन के दूसरे चरण में बीते दिन अक्षरा सिंह ने अपना वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें अक्षरा सिंह ने कहा है कि हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से घर में ही स्वस्थ रहने की अपील की है। इसके साथ ही अक्षरा सिंह ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करने को भी कहा है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया सर्वश्रेष्ठ कप्तान। जहां एक तरफ भारत में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आए दिन आलोचनाएं होती रहती है, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दो बार के विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी अब तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। धोनी इतने बेहतरीन कप्तान है कि उनकी महानता पर सवाल उठाना असंभव है। अपेक्षाओं के इतने भारी बोझ के बीच उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन पर सवाल उठाना गलत होगा, क्योंकि बतौर टीम उनसे इतनी अपेक्षा रही है और उनके बीच जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की है, वह किसी तारीफ से कम नहीं है। फेसबुक का एक खास फीचर जल्द होगा लॉन्च। सभी फेसबुक यूजर्स के लिए अहम सूचना। फेसबुक जल्द ही अपने आप में गेट्स द फैक्ट नाम का एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसमें यूजर्स को COVID-19 से जुड़ी गलत जानकारी को लाइक करने और उसे मिस इन्फॉर्मेशनल होने की जानकारी तुरंत मिल जाएगी, जिसके तहत फेसबुक में कहा गया है कि अब हम करीब 12 देशों से 60 से ज्यादा फैक्ट चेक कंपनियों के साथ मिलकर 50 भाषाओं में गलत सूचना पर रोक लगाने की मुहिम को तेज कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राकेश वर्मा, काजल कुमारी, नंदन कुमार, हरेंद्र तिवारी, अभय झा, बिरजू सहनी, श्रवण कुमार, नंद किशोर कुमार, मुकेश पटेल, बाबुल खान, किशोर यादव, जितेंद्र कुमार शर्मा, महेश कुमार, कृष्णा कुमार, आजाद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को सर्वश्रेष्ठ कप्तान की उपाधि देने से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।